हम सभी जानते हैं कि सूर्य अस्त के समय हमें बहुत सारे कार्य नहीं करना चाहिए, फिर भी हम उन्हीं सभी कार्य को करते हैं जिसके कारण घर में दरिद्रता और कलेश बना रहता है। आज हम आपको बताएंगे सूर्य अस्त के बाद कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको नहीं करना चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद हमें कभी भी बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। यदि आप बिस्तर पर सोते हैं तो उससे आपके शरीर में बीमारी और घर में दरिद्रता बनी रहती है। जब हमारे घर में कोई बीमार व्यक्ति रहता है तो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि थोड़े से समय के लिए बैठे हो जाओ या आप चलने फिरने लग जाओ, उससे आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए, शाम के समय आपको कभी भी नहीं सोना है। सूर्य अस्त के बाद घर में किसी भी तरह का कलेश या उदासी का माहौल नहीं होना चाहिए। यदि आपके घर में स्त्री शाम के समय रोती है तो उससे भी माँ लक्ष्मी बहुत ही रुष्ट हो जाती है। सूर्य अस्त के बाद आप अपने घर से दही और छाछ किसी दूसरे के घर पर ना दें। यदि आप शाम के समय घर में झाड़ू या पोछा लगाते हैं, उससे भी आपके घर में धन की कमी हमेशा बनी रहती है। आप घर को साफ करना चाहते हैं तो 5:30 बजे से पहले अपने घर को साफ कीजिए। सूर्य अस्त के बाद अपने हाथ और पैर के नाखून और बाल कभी भी नहीं कटवाना चाहिए। जब भी आप शाम के समय तुलसी में दीपक लगाएं, तुलसी के पौधे से आप दूरी बनाए रखें। आपको दूर से ही तुलसी के पौधे को प्रणाम करना है, उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। यदि आपके घर में कांटेदार पौधा है तो आप उस पौधे को घर से बाहर निकालिए। घर में कभी भी कांटे वाला पौधा नहीं होना चाहिए। सूर्य अस्त के बाद आप किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई कर्ज ना दें। यदि आप किसी को पैसा देना चाहते हैं तो रात को 8 बजे के बाद दें। 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आप किसी को पैसा उधार ना दें। सूर्य अस्त के समय यदि कोई आपको पैसा देने आता है तो आप उससे ले सकते हैं, बट आप किसी को उधार पैसा ना दें। सूर्य अस्त के बाद आप अपने घर में एक घी का दीपक जरूर लगाएं। जिस कोने में सबसे ज़्यादा अंधेरा रहता है उस जगह आप उस दीपक को प्रज्वलित करें, उससे भी महालक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। घर में कभी भी फटा हुआ नोट ज़्यादा समय के लिए अपने पास ना रखें। जैसे ही आपका नोट फट जाता है या ज़्यादा पुराना हो जाता है, आप उस नोट को चेंज करिए। सूर्य अस्त के बाद आप अपने घर के जालों को साफ ना करें। आप कोशिश करें कि आपके घर में जाले नहीं बने। सूर्य अस्त के समय घर में कपड़े धोना नहीं चाहिए। यदि घर में टूटा हुआ बर्तन है, कांच टूटा हुआ है, तो आप उसका प्रयोग ना करें। आप ऐसी चीज़ों को घर से तुरंत बाहर निकालें। यदि आप छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके घर में गरीबी कभी भी नहीं आएगी और आपके घर का कलेश धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।